Assalamualaikum. Class second. Today we are going to read the unit number two, flying kites. Comes the page number of twelve. Here you can see there is the unit two lesson three reading the black kite. There is a story about the black kite. Now we are going to read the story. तारिक लि टॉल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इन लाहौर ही हैड थ्री काइट्स वन गाइड वॉज ब्लू विद अ येलो टेल वन काइट वॉज औरेंज वि वाइट टेल वन काइट वॉज रेड विद अ ग्रीन टेल तारिक लाइक द रेड काइट बेस्ट तारिक एक पर्सन का नाम है जो कि कहाँ पर रहता है एक लंबी इमारत है लाहौर में वहाँ में वहाँ पर वो रहता है उसके पास कितने काइट्स हैं कितने पतंग हैं तीन पतंग हैं एक पतंग जो है वो ब्लू है और उसकी टेल कैसी है येलो है जर्द है इसी तरह उसके पास एक और काइट है पतंग है जिसका कलर ऑरेंज है और उसकी टेल भी कैसी है वाइट है और लास्ट उसके पास जो थर्ड काइट है वो रेड है और उसकी टेल जो है वो कैसी है ग्रीन है और सबसे ज़्यादा वो बेस्ट किसको करते हैं लास्ट वन को दैट इज़ रेड प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू फ्लाई माई काइट डैड ही आस्ट ही आस्ट वो uh, अपने पेरेंट्स से अपने डैडी से कहते हैं कि कौन तारीख के प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू फ्लाई द काइट अपने डैड से कहते हैं कि अगर आप मेहरबानी करके मेरे साथ पतंग उड़ाएँगे दैन ही वेल आई विल ट्राई हीज फादर स्माइल बट आई एम नॉट गुड एट फ्लाइंग गो अप टू द रूफ उनके डैडी जो हैं तारिक के डैडी उन्हें रिप्लाई करते हैं मुस्कराते हुए चलो ठीक है लेकिन मुझे पतंग उड़ाना अच्छी तरह से नहीं आता चलो छत पर जाते हैं दे टुक द दाइड्स अप टू द रूफ ओ लुक सैड हिज फादर देर मिस्टर रियाज ही इज रीडिंग डोंट मेक टू मच नाइस आर ही विल बी एंग्री मिस्टर रियाज वॉज सिटिंग ऑन अ मैट ही डिड नॉट लुक एट तारक एंड हिज़ फादर took the kite first it went up then it fell down they tried again वो अपने पतंग को लेकर कहाँ पर चले जाते हैं छत पर चले जाते और तारक़ के फादर जो हैं अबू जो हैं वो उनसे कह तारिक से कहते हैं कि वो देखो मिस्टर रियाज जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो इतना शोर ना मचाना कि वो गुस्से हो जाएं मिस्टर रियाज जो थे वो एक मकालीन पर बैठे हुए थे और आ, लेकिन अभी तक उन्होंने मिस्टर रियाज ने किसको नहीं देखा तारिक और उसके अबू को नहीं देखा तारिक ने ब्लू काइट ली और उसको उड़ाना शुरू किया जैसे ही उसने उड़ाया वो क्या हो गया गिर गया फिर उन्होंने कोशिश की उसको दोबारा उड़ाने की फर्स्ट काइट को दैट वॉज ब्ल्यू एट लास्ट द काइट फ्लू अप टू द स्काई वेल्ड एंड सैड तारिक द ब्लू काइट लुक लवली एट दैट मोमेंट अ ब्लैक काइट अपियर तारिक सा टाल बॉय वियरिंग अ पर्पल कैप ऑन द रूफ ऑफ द फ्लैट नेक्स्ट डोर ही वॉज लाफिंग आखिरकार जो ब्ल्यू कायट था वो आसमान पर उड़ना शुरू हो गया आ, और तारिक के फर ने कहा कि बहुत अच्छे द ब्ल्यू काइट जो था वो कैसा लग रहा था बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था उस शिलमे अचानक एक काला पतंग जो है वो ज़ाहिर हुआ या नमोदार हुआ तारिक सा अटाल वाये तारिक ने एक लंबा सा आदमी देखा जिसने एक पर्पल कलर की कैप पहनी हुई थी और वो भी छत पर था अपने आ, आ, वो भी छत पर था दैट वाज अवेयर द नेक्स्ट डोर ऑफ दिस फ्लैट उनके घर के सामने वाला जो फ्लैट था उसकी छत पर एक बड़ा एक लंबा सा आदमी क्या कर रहा था एक पतंग उड़ा रहा था और कैसे किस कलर का पतंग उड़ा रहा था काले रंग का पतंग ही वॉज लाफिंग और वह मुस्कुरा रहा था प्लीज डोंट कट डाउन माई काइट शाउट तारक तारिक ने कहा कि मेहरबानी करके मेरे पतंग को मत काटना उसकी डोर को मत काटना डोंट शाउट सैड इज़ फादर मिस्टर याज विल बी एंग्री पुल द स्ट्रिंग फादर ने कहा तारिक से कि इतना ज्यादा चिल्लाओ मत मिस्टर रियाज जो है वो गुस्से हो जाएंगे अपने डोर को खींचो द टॉल बॉय लाफ्ट अगेन ही कट डाउन ब्लू काट विद ब्लैक वन डाउन इट फैल डाउन इन टू दीट आखिर का क्या हुआ जो लंबा आदमी था वो मुस्कुराने लगा और उसने तारिक की पतंग ब्लू पतंग को क्या कर लिया कट कर दिया और फिर वो किसके साथ काले पतंग के साथ और ब्लू काइट जो था वो गिर गया एक किधर है कौन, कौन से कौन सी जगह पर गली में डोंट वरी तारिक तारिकर लेट्स फ्लाई द ऑरेंज काइट तारिक के फादर ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है आओ क्या करते हैं हमारे पास तो दो काइट और भी हैं ऑरेंज काइट को लेते हैं और उसे उड़ाते हैं फर्स्ट इट वेंट अप दैन इट फेल डाउन दे ट्राइड अगेन एट लास्ट द काइट फ्रू अप इन टू द स्काई वेल डन सेवली बट दैन द ब्लैक काइट अपियर इस उन्होंने क्या किया ऑरेंज काइट को उड़ाना शुरू किया और ऑरेंज काइट क्या था पहले गिर गया फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इसी तरह जो काइट था वो आसमान पर उड़ने लगा और तारिक के फादर ने कहा बहुत अच्छे ये कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है और अचानक ही उसी लम्हे एक काला वही वाला काला पतंग जो था वो नमोदार हुआ ओह नो शाउटेड तारिक। प्लीज डोंट कट डाउन माई काइट प्लीज प्लीज जब तारिक ने देखा कि काला पतंग फिर आस फिर उड़ना शुरू हो रहा है तो उसने चलाना शुरू कर दिया कि टाल बॉय की तरफ देखकर कर के महरबानी फरमा कर मेरे पतंग को मत काटना डोंट शाउट सैड इज फादर मिस्टर बी एंगी फुल द स्ट्रिंग फ़ादर ने कहा कि तारिक से कहा चलाओ मत मिस्टर र्या, रियाज है वो गुस्से हो जाएंगे अपनी डोर को खींचो द टाल बॉय लाफ्ट ही कट और ब्लैक वन डाउन इट फेल डाउन इट इंटू द स्ट्रीट बिलो तारिक जो, वो बड़ा लंबा सा जो आदमी था जिसका ब्लैक काइट था उसने उसे काइट को ऑरेंज काइट को भी गिरा दिया और वो लड़का जो था मुस्कुराने लगा और और पतंग कहाँ पर गिर गई ऑरेंज पतंग जो थी वो गली में गिर गई ओ डियर तारिक राइट नाउ आई हैव ओनली गॉट वन काइट एंड आई लाइक द रेड वन बेस्ट डोंट क्राई सैड तारिक फादर कम हेयर सैड अ वाइस बिहड दैम द टर्न ब्राउंड इट वॉज मिस्टर रियाज अब क्या हो गया फाइनली अब उनके पास एक ही काइट बच गया जो कि कौन सा कर, जिसका कौन सा कलर था रेड कलर था और वो रेड कलर वाला जो था वो सबसे सब उनको तारिक को बहुत ज़्यादा पसंद था लेकिन तारिक के फ़ादर ने कहा कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से मत बोलना कम है यहाँ आओ सैड आवाइज़ बिहाइंड दैम अचानक से उन्हें एक आवाज़ आई कि इधर आओ जैसे ही तारिक और उसके फादर पीछे मुड़े कौन था वहाँ पर मिस्टर रियाज हेयर द स्टोरी इज़ एंड but it it's up to us that we will complete the story, so he said them don't worry, he said them don't worry, I am good at flying kites, mr Yazoo ne kehte hain idhar aao मैं जो हूँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मुझे बहुत अच्छी तरह से पतंग उड़ाना होता है, so तो both persons were very surprised surprised that how it possible the old man वॉज गुड एट फ्लाइंग काइट्स तो दोनों जो थे फदर और तारिक वो दोनों के लिए कि ये सरप्राइजिंग वे था हैरान कौन था कि एक बूढ़ा आदमी कैसे पतंग उड़ा सकता है आई विल हेल्प यू लेट्स फ्लाई द लास्ट काइट आओ आखिरी पतंग को उड़ाते हैं डार्ट वॉज रेड जो कि कैसे रंग का था सुर्ख रंग का था इट वेंट अप एंड फ्लू अप इन टू द स्काई उन्होंने उसको लिया उड़ाना शुरू कर दिया और वो क्या हो गया आसमान की तरफ उड़ने लगा द ब्लैक काइट वंस अगेन अपियर और फिर दोबारा से एक काला काले रंग का जो पतंग था वो दोबारा से नमोदार हुआ मिस्टर रियाज टुक द स्ट्रिंग एंड फ्ल्यू द काट मिस्टर रियाज ने डोर ली और पतंग को उड़ाना शुरू कर दिया अप एंड अप वो ऊपर और ऊपर की तरफ जाता गया एट द एंड द ब्लैक काइट ऑफ द टाल बॉय फेल डाउन फाइनली क्या हुआ रेड काइट से ब्लैक ब्लैक काइट की डोर जो थी उसको काट दिया गया और ब्लैक काइट जो जो कि एक डाल बॉय का था वो गिर गया एवरी वन बिकेम चीय तो दो सारे तीनों जो पर्सन थे वो खुश हो गए तारिक एंड हिज फादर प्रेज द ओल्ड मैन तारिक और उसके अबू ने बूढ़े आदमी को सराहा उनकी तारीफ की नाउ वी हैव कम्प्लीटेड वी हैव कम्प्लीट द स्टोरी दैट इज द ब्लैक काइट नाउ Uh, go to the page number of twelve. Here you can see there are some different words. First of all, you will write the words and their meanings and you will make the sentences by your or by your own from the following words. like there is a first word tall block of flats. Its mean Lambi imarat a tall building. There is the next word that is roof. Roof means upper part of the house chad there is another word you can see here that is angry angry means hosi hona showing anger there is another fourth word that is shout shout means chalana a loud cry now go to the page number of 13 here you can see the last word that is appeared fifth word and its mean meaning is to come into sight zahir hona so kindly write the words and their meanings in english plus urdu after writing the following meanings of the following words then you will write, make the sentences of the following words by your own so kindly complete this work and here you can see there is the activity number b circle the correct words in each sentences he liked the dashed kite best which kite he liked red his father was not good at flying kites. Mr. Yaz was reading. A tall boy was flying a black kite. He cut down two of Tariq's kites. Tariq felt very sad. So kindly complete this activity on book. Thank you so much.